लेकर जाएगा, देखने में तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। और हाँ, ये मुझे किसी एक सीक्रेट रास्ते पे लेकर आ चुका है और सामने वेंट और बड़ा है, कितना अंधेरा है, मानो एक बार को सामने से आइसक्रीम अंकल आ जाए और हमें धप्पा कर दे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यानी यहाँ पे भी कैबिनेट्स हैं, इसके अंदर तो इसके अंदर ये आईडी कार्ड लग चुका है। और यहाँ से मुझे एक कारपेट मिला है, पर पता नहीं इस कारपेट का क्या यूज है। खैर यहाँ पर लॉस, वेट 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 गाइस 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 गाइस, ये वाला जो डोर है ना जिसमें कोड मुझे डालना है, ये डोर इस वाले रूम का है जिसके अंदर गन पड़ी हुई है। मैं एक बारी कंफर्म करके आ जाता हूँ उसका डोर किस कलर का था। ये देखो, ये ब्लू कलर का है, और इस वाले डोर को ही खोलने के लिए हमें एक कोड ढूंढना है। तो शायद से वो जो मुझे अलग अलग नंबर्स दिख रहे थे ना रेड ब्लड से लिखे हुए, पक्का वो चार मुझे नंबर, चार है, कितने डिजिट का कोड। मैं फंस गया, इसने मुझे यहाँ पर आते हुए देख लिया है, और अभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसे ओपन करो और यहाँ से भागो, क्योंकि आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आते ही होंगे। ये देखो, ये लिखा ना रेड ब्लड से कोड 0 लिखा हुआ है इस तरफ में, कुछ इसी टाइप के बहुत से कोड यहाँ पर हो सकते हैं। खैर अभी मुझे छुपना होगा थोड़ी देर जाके कहीं ना कहीं। तो गाइस, ये रॉड के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा गैराज है, इतना सारा पैसा है, ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये अपनी आइसक्रीम बेचता होगा। लोग यहाँ पर बैठ के इस रेस्टोरेंट में आराम से इसकी आइसक्रीम खाते होंगे। इधर पीछे इसी में इसकी शॉप है, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मॉल बना रखा है इसने एक अपने आप में। बट फिर ये ऐसा क्यों करता है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार। क्या ठीक है, जो भी है, अभी सबसे पहले तो इस कारपेट का यूज़ पता करते हैं, और मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है, वो पता करना है कि कैसे पॉसिबल होगा। खैर उसने मुझे पीछे से देख लिया और वो भागता हुआ मेरी तरफ को ही आ रहा है। और यहाँ पर एक जगह है, नीचे एक वेंट है। ओ वेट, मुझे ऊपर से बोरिस के सोने का साउंड आ रहा है जिसने वो कंट्रोल रूम का गेट लॉक कर रखा था, मतलब ब्लॉक कर रखा था। और ये वही वाला फ्लोर है जो कि क्रैक है, पक्का मैं इसे यहाँ से कहीं ना कहीं से तो इसे तोड़ सकता हूँ। स्काफोल्ड, यू नीड समथिंग टू क्लाइंब अप ऑन टू द स्काफोल्ड। मैं समझ गया, मुझे गाइस ऊपर से वो जो स्टेप लैडर मिली थी ना, मुझे उसका यूज़ करके इसके ऊपर चढ़ के इस फ्लोर को तोड़ना है। मुझे कहीं से तो आइसक्रीम अंकल की आवाज़ आई है। रॉड पक्का मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज में है कहीं ना कहीं, तो उसने अगर मुझे देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, जल्दी से जाके कहीं ना कहीं छुप जाता हूँ। बट हाँ, मेरे पास छुपने के लिए भतेरी जगह है। अभी मेरे को ये फैक्ट्री के थोड़े बहुत रास्ते समझ आ गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत रास्ते समझ आ गए हैं। खैर ये वाला रूम मैं घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ वापस आ जाता हूँ। नहीं आया यार मुझे रास्ते सच्ची में बिल्कुल समझ नहीं आए। यहाँ पर एक पाइप जा रही है, ये वाला बटन दबाऊँ क्या? इसमें क्या लिखा है? यू ओपन द पाइप, नाउ यू कैन गो थ्रू इट टू द फ्लोर अबव। वेट है, एक सेकेंड। ओके, ओ माय गॉड, तो अभी मैं घुमा फिरा के वापस से उस एरिया में आ गया हूँ जहाँ से मैं पहले गया था। मैंने एक नए शॉर्टकट रास्ते को ओपन कर दिया है, बट हाँ मुझे यहाँ से अभी थोड़ा छुपना होगा पहले। जब ये यहाँ से चले जाएगा ना, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, क्योंकि ये देखेगा तो शोर मचा देगा। मैं बीच में छुप जाता हूँ, ये नीचे भी है और एक रोबोट ऊपर भी है, बीच में फंस सकता हूँ। ओके, तो गाइस अभी वो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे जा चुका है, फटाफट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और ये जो दूसरा सीक्रेट रास्ता है इसके थ्रू यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ते हैं। और मुझे अभी स्टेप लैडर चाहिए थी उसके अंदर। ओ वेट, ये वाला गेट ओपन कर देते हैं, वो अंदर बैठा हुआ है, मुझे देखेगा ना तो अभी पूरा शोर मचा देगा पूरे में। उसको पहले बाहर निकलने देता हूँ, गेट बंद कर देता हूँ ताकि उसको शक ना हो कि यहाँ पर कोई आया था। और अभी वो यहाँ से जा चुका है आगे को। हाँ चले जा, नाइस, मुझे यहाँ से भी स्टेप लेटर मिल चुका है। मैं इसे लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ, वो भी बहुत तेज स्पीड में। बट यहाँ से क्यों भागने की ज़रूरत है, हमने शॉर्टकट रास्ता ओपन कर लिया भाई, हम शॉर्टकट रास्ते से जाने वाले हैं, बस थोड़ा कम स्पीड में, क्योंकि आइसक्रीम अंकल मीन्स रॉड अगर आया तो बैंड बजा डालेगा। नाइस, यहाँ से भी मुझे नीचे चलना होगा, मैं सीधा उसकी फैक्ट्री में चले जाऊँगा। लेट्स गो, फैक्ट्री में मीन्स वेयर हाउस में, जहाँ पर ये अपनी सारी आइसक्रीम बना के रखता है। मुझे भी बस वो वाली जगह ढूंढनी है जहाँ पर मुझे स्टेप लैडर लगा के ऊपर चढ़ना था। नाइस, तो अभी मैं स्वेंट के थ्रू होता हुआ वापस से बाहर आ चुका हूँ इसकी फैक्ट्री में, मीन्स इसके रेस्टोरेंट में। अभी जल्दी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले रोबोट ने शायद मुझे देख लिया था पर वो ज़्यादा साउंड नहीं कर पाया और मैं उससे बच के काफ़ी आगे आ चुका हूँ। सामने एक और है कोई, तो या नहीं है। लेट्स गो, मैं बहुत ज़्यादा सही जा रहा हूँ। और अभी मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जल्दी से इसको यहाँ पर लगाते हैं और मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मुझे अब बस इसको जाके तोड़ना होगा। नाइस,
मैं यहाँ पर आ चुका हूँ क्रैक ट्रॉफी। इट्स क्रैक्ड एंड इट्स लुक लाइक इट्स अबाउट टू ब्रेक। वो टूट तो जाएगी मुझे भी दिख रहा है, बट कैसे टूटेगी वो मुझे सोचना होगा। कुछ तो फायर क्रैकर या कुछ छोटा मोटा ब्लास्ट करने वाला चाहिए होगा। बाकी यहाँ पर भी एक कोड है, तो वो जो गन है ना उसको गन को लेने के लिए मुझे कोड ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग। ये एक मेरे को 2 मिल चुका है, उधर से मुझे 0 मिला था, तो पक्का इन 4-5 डिजिट को मिला के कोई एक कोड बनेगा, सीक्रेट कोड जो कि मुझे डाल के वाला रूम ओपन कर देना है। बट हाँ, वो सीक्रेट कोड क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं। खैर यहाँ से ओके, यहाँ पर भी वाला रोबोट घूम रहा है। ये रहा 0, ये 0 मुझे पहले दिखा था। तो काफी ज्यादा वेट करने के बाद ये यहाँ से बाहर आ चुका है। अब जब ये राइट साइड में जाएगा तो मैं वहां से राइट साइड में क्यों जाएगा भाई, वो सफाई कर रहा है यहाँ पर फुल एकदम मस्ती में, उसने मुझे देखा नहीं है। वो वापस से अंदर चला गया यार सफाई करने, कैसा घटिया रोबोट है वो। कोई बात नहीं, मैं ये दूसरे रास्ते से चले जाता हूँ। ये तो बेचारा सो तो है पर इसने मुझे देख लिया। ओए शोर मत कर यार, वो आ जाएगा मेरे को पीट डालेगा अभी, कसम से फंसा देते हैं यार ये रोबोट, बहुत डेंजरस है। फाइनली अभी मैं दूसरे रास्ते पे आ चुका हूँ। इधर मुझे कुछ ना कुछ तो, एक सेकेंड, ये फायर एक्सटिंग्विशर मैंने देखा था, क्या मैं इसको उस पर फेंक के मारूंगा तो वो टूटेगा? ये काफी ज्यादा अजीब सा प्लान है, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है यार, क्या पता बाय चांस ओपन हो ही जाए, तो इसे लेकर चलते हैं उस जगह पे फिर। और वैसे भी जब तक ये मेरे हाथ में है तो मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर रॉड मुझे मारने आता है तो ये मैं उसके मुंह पे भी फेंक के मार सकता हूं। और अभी जल्दी से इसके ऊपर चढ़ते हैं और इसके ऊपर चढ़ के इसको मैं इस पर फेंक के मारता हूं। ओ वेट, नहीं इससे कुछ नहीं हो रहा, उल्टा बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। ये वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, यहां पर यूज करने का आ तो रहा है। ओ तेरी, तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर को नॉर्मली यूज करना था, और जैसे मैंने इसका धुआं छोड़ा ऊपर का फ्लोर प्रॉपरली टूट चुका है। अभी मुझे बस ऊपर से जाके बोरिस को परेशान करना है ताकि वो मुझे मारने आए और फिर इस फ्लोर से नीचे आके गिर जाए, तो वो कंट्रोल रूम से हटेगा, मैं अपने दोस्तों को छुड़ा लूंगा, बट उन्हें लेके बाहर कहां से निकलूंगा ये तो मुझे पता ही नहीं है। और वैसे भी बोरिस सो रहा है, मैं उसको हिला तक नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे बोरिस भी इधर उधर को मूव हो। खैर एक जगह और थी ना जहां पर मुझे कुछ तो लगाना था, मतलब स्लॉट्स थे वहां पर, तो ट्राई करता हूँ वहां पर। ओ नहीं 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 नहीं, इसने मुझे देख लिया यार। वैसे ना अभी मेरे दिमाग में एक चीज आई थी जो कि मुझे टेस्ट करनी है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख के यहाँ से मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी इन लोगों ने शोर मचाया था तो हो सकता है रॉड भाग के मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हो, और अगर वो यहाँ पर आया होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मुझे यहाँ से एक आइसक्रीम मिल गई है, और मुझे यही चीज़ टेस्ट करनी थी कि वो जो पीछे एक मशीन थी जिसमें से कैंडी मिलने वाली है, क्या मैं ये आइसक्रीम उस मशीन में लगा सकता हूँ या फिर इन रोबोट्स को खिला के इन्हें खुश कर सकता हूँ ताकि ये लोग मुझे पकड़े ना। खैर इसने भी मुझे देख लिया है और ये आ रहा है भाग कर मुझे मारने के लिए, बट ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। इसको इसके अंदर लगाता हूँ। ओ तेरी, इसमें लग गई है, और मुझे कुछ इसी टाइप के 3 आइसक्रीम लगानी है। मुझे, मैंने यहाँ पर 3 आइसक्रीम देखी थी कहीं, तो एक तो ये वाली हो गई, एक पिंक आइसक्रीम ऊपर वाले फ्लोर पे देखी थी मैंने, तो अभी एक आइसक्रीम मैंने यहाँ पर देखी थी, ये है येलो आइसक्रीम। इसको मैं वहाँ पर लगाने का ट्राई करता हूँ, शायद से यही होगी वो दूसरे आइसक्रीम। फिर एक आइसक्रीम है पिंक वाली जो कि मुझे ऊपर से लेकर आनी है, तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। वैसे वो जो कारपेट मिला है ना उसका यूज़ मुझे समझ आ गया, मुझे वो जो क्रैक फ्लोर है ना उसके ऊपर रखना है ताकि बोरिस को ये ना पता चले कि ये जमीन टूटी हुई है। वो कारपेट को समझ के फ्लोर सही फ्लोर समझ के आगे बढ़ेगा और फिर नीचे गिर जाएगा, तो मुझे सब कुछ करने से पहले वहाँ पे कारपेट बिछाना भी होगा। बट मैं आया कहाँ से था यार, रास्ते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हैं। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत रास्ता समझ में आ गया है, फटाफट यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। ये वाली जगह है, जल्दी से मैं इसकी गैराज से होता हुआ बाहर निकलूंगा, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल मैं इसके गैराज के रास्ते से होता हुआ वापस से इसकी फैक्ट्री के ऑफिसेस में आ चुका हूँ, और अभी मुझे यहाँ से एक पिंक आइसक्रीम लेनी है, और वो जो कारपू वेट पिंक आइसक्रीम मुझे यहाँ से मिल गई है, इसको फटाफट से मैं अपने साथ कैरी कर लेता हूँ। इस आइसक्रीम को नीचे ले जाके लगाना है, फिर मुझे वो कैंडी मिल जाएगी, बट मेरे को नहीं पता उस कैंडी से क्या होने वाला है, पर क्या पता वो कैंडी हम लोग इसको खिलाएं और फिर ये पगलास आ जाए, या फिर उस कैंडी को देख के हमारे पीछे आए और यहाँ पर गिर जाए। बट मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मेरा कारपेट, ओ याद आया कारपेट मैंने इस वाले रूम के अंदर गिरा, फंस गया नहीं बच गया। हो वेट, ये डरा देते हैं बुरी तरह। ओके तो अभी मैं घूम के आ चुका हूँ वापस यहाँ पर। इस कारपेट को उठा के ना मुझे वहाँ पे ले जाके बिछाना है ताकि बोरिस को पता ना चले ये फ्लोर टूटा हुआ है। इसको ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर बिछाने का। यू नीड समथिंग टू होल्ड डाउन द रग व्हेन पोजीशनिंग इट इज सो, वेट पूरा क्या लिखा था, सो इट डजंट फोल्ड थ्रू द होल। ठीक है, तो अभी मुझे इस कारपेट को यहाँ पर होल्ड डाउन कराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लगाना होगा
जिससे कारपेट ना नीचे चले जाए, वो ऐसा दिखना चाहिए कि फ्लोर एकदम परफेक्ट इधर बना हुआ है। खैर मैंने अपनी पिंक वाली आइसक्रीम उधर ही ड्रॉप कर दी थी कारपेट उठाने के चक्कर में, वो मैं लेकर आता हूँ जल्दी से। ओके तो अभी मैं भागता हुआ यहाँ पर आ चुका हूँ, ये रही मेरी आइसक्रीम, इसको जल्दी से लेकर चलते हैं और वहां पे लगाते हैं। ओके गाइस तो अभी मैं ये पिंक आइसक्रीम लेकर वापस से इस मशीन के पास आ चुका हूँ, जल्दी से इसको यहाँ पर लगाते हैं और इस बटन को दबाकर इस मशीन को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर ये कैंडीज के अंदर जा चुके हैं और ये यहाँ से बाहर आ गए, इसको उठा लेते हैं। सुपर स्टिकी गम, वेट इस कैंडी का नाम क्या है? सुपर स्टिकी गम, ये कैंडी है या फिर गम है? मैं समझ गया इस कैंडी का क्या यूज़ है। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि अगर मुझे कैंडी मिल भी गई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कैंडी यूज़ कहाँ पर होने वाली है, बट अभी मुझे समझ आ गया है। ये कैंडी गाइस हमें कारपेट को होल्ड करने के लिए लगानी है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सुपर स्टिकी गम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी कैंडी है तो ये कारपेट को चिपका लेगी। ऑल राइट तो अभी मैं ये सीक्रेट रास्ता यूज़ करते हुए वापस से इस जगह पर आ चुका हूँ और हाँ मैं यहाँ पर इस गम का यूज़ करके चारों कोनों पे हल्की फुल्की ये लगा सकता हूँ और इसके ऊपर शायद से अब मेरा कारपेट लग जाएगा। पहले सारे गेट वेट बंद कर देते हैं और जल्दी से इस कारपेट को मुझे यहाँ पर लगाना है और ये लगने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। वेट फाइनली ये कारपेट मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अभी मुझे द ट्रैप्स आर रेडी, नाउ यू जस्ट हैव टू ल्यूर बोरिस ओवर हियर। मुझे इसे परेशान करके यहाँ पे बुलाना है बट ये उस गेट से हटने नहीं वाला, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है। मुझे इसके मुंह पे कुछ फेंक के मारना है क्या, या फिर नहीं फेंक के क्यों मारना है? वैसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ, सामने क्रोबर पड़ा हुआ है बट मुझे समझ आ गया है वो जो गन है ना, शायद अभी मुझे वो गन इसके ऊपर मारनी होगी ताकि ये मुझे मारने के लिए आए और फिर ये नीचे चले जाए। हाँ ठीक है अभी जल्दी से वो गन भी लेकर आते हैं, अपना काम संभाल लो, हो चुका है। बट वो गन के लिए मुझे वो कोड, यहाँ से नहीं जाऊँगा अभी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अभी, मैं दूसरा रास्ता यूज़ करके यहाँ पर आ चुका हूँ और जितने भी वो सीक्रेट कोड मुझे दिख रहे थे ना अलग अलग नंबर्स, वैसे मुझे चार नंबर्स ढूंढने हैं ताकि कोड कंप्लीट हो जाए और मैं वो वाला गेट अनलॉक कर सकूं। बट नहीं, यहां पर सामने एक रोबोट था जिसने मुझे देख लिया है, मुझे यहां से भागना होगा क्योंकि वो मेरी तरफ आ रहा था बट अभी वो यहां पर आके सफाई करने लग गया है तो मुझे उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक दूसरा रास्ता है, पता नहीं यार इन्वेंट का यूज करके मैं कहां से कहां आ जाता हूं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये देखो यहां पर एक कोड इस पे लिखा हुआ है, इट्स लुक लाइक द नंबर आर रिलेटेड एंड इन अ सर्टेन ऑर्डर, मतलब ये किसी एक सर्टेन ऑर्डर में है सारे के सारे नंबर। तो जैसे मुझे यहाँ पर 4 मिला, इधर भी इधर से मुझे 2 मिला था, तो मान लो अभी मुझे 402 एक कोड मिल चुका है बट इनका ऑर्डर किस हिसाब से होगा ये मुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या कोई कोड? इधर तो कोई भी कोड नहीं है, यहाँ पर 0 है, ये देखो 042 मुझे 2-3 कोड। वेट अभी मैं समझा गाइस, देखो ये जो म्यूजियम है ना, ये म्यूजियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मैं काफ़ी देर से ना ये चीज़ें भी नोटिस कर रहा था। देखो सामने ए लिखा हुआ है, यानी सबसे पहला रास्ता यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो रेड कारपेट है ना, इस कारपेट पे मुझे चलते जाना है और अलग अलग कोड ढूंढते जाने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं पता, मैं उन फिर सभी को कोड को ना तुक्के में इधर उधर करके डालने वाला हूँ। बट ट्राई करते हैं, अगर मैं जैसे यहाँ पर गया, अगर अरे यार तू आ जा पहले, मेरे को थोड़ी देर छुपना होगा वरना ये मेरे को परेशान कर देगा। वैसे भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है, बस ये गन मुझे लेनी होगी जो यहाँ पर पड़ी है और कोड मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। खैर वो रोबोट अब तक जा नहीं चुका होगा, वो यहीं पर घूम रहा है अभी भी। ओके तो मैं ये कह रहा था कि ये जो म्यूजियम है ना, उसका रास्ता ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस म्यूजियम की जो एंट्रेंस है, इस रेड कारपेट पर मुझे चलते जाना है और अलग अलग कोड ढूंढने, क्योंकि उसमें साफ लिखा है ये एक सर्टेन ऑर्डर में है। तो जैसे फर्स्ट कोड मुझे यहाँ पर मिला जो कि है 0, तो यानी अपना फर्स्ट लेटर पे हम लोग 0 को रख देते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर मुझे कोई भी कोड नहीं दिखा, बाइक के अगल बगल नीचे जमीन पे चेक कर लेते हैं, नहीं तो अभी भी अपना फर्स्ट कोड है 0। इसी रेड कारपेट पे चलते चलते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी थी, जब भी मुझे कोई कोड मिल रहा है तो उसके आसपास रेड कारपेट जरूर है। तो ये अगला है 04, तो 4 हो गया, तो 04 अब चलते हैं। यहां पर कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, बट इधर एक था, ये है 2042 मुझे मिल गया है और रोबोट ने मुझे देख लिया बट उसका ध्यान नहीं गया। यहां से आगे बढ़ते हैं, वो ढूंढ रहा भाई मुझे इस रेड कारपेट पे, चले। यहां पर कोई कोड है? यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है और ये आगे रास्ता बंद है बट रेड कारपेट बंद नहीं है, यानी मुझे उस साइड जाना है। उस साइड जाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता यूज करना होगा ताकि मैं इस म्यूजियम की दूसरी साइड पे जाके कोड पता कर सकूं। लेफ्ट में रास्ता ओपन नहीं हो रहा, आगे से घूम के आना पड़ेगा। 042 अभी तक अपना कोड बना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया सीन हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वेट पहले तू चले जा मेरे भाई, पहले तू चले जा, तेरे से मुझे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि
जब ये मुझे देखेगा रोड तभी आएगा, अदरवाइज वो नहीं आने वाला। इसीलिए मैं इनसे इतना ज़्यादा छुपा हुआ हूँ और किसी कीमत पे इन्हें अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहा हूँ। गया गया गया, अब मैं भाग लेता हूँ, ये नहीं ढूंढ पाएगा, लेट्स गो। तो अपना वो जो रास्ता यहाँ पर बंद हुआ था ना उस साइड से, वो कारपेट देखो यहाँ से घूम के आया और ये है इसका एंड पॉइंट। और यहाँ पर ये रहा कोड 0428, ये कोड मेरा बन रहा है और ये एकदम आई है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये तो ज़्यादा हो गया, ई एफ जी एच आई आई यहाँ पर हो गया ना एंड। इसके बाद यहाँ से वेट 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 यार, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। वैसे भी अभी मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोड मुझे मिल चुका है 0428। तो इस कोड को मैं ले करना यहाँ से निकल लेता हूँ और वो जो रूम की एंट्रेंस थी मुझे वहाँ पर जाकर इस कोड को डाल के गन निकाल लेनी है 0428। याद रहना चाहिए, ये किसी कीमत पे मिस नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया तो मैं दोबारा ढूंढ लूँगा यार। वैसे हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोड सही होना चाहिए। पता चला गलत कोड को लेकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अंदर। और वेट, मेरे पीछे वो रोबोट है, नहीं उसकी आवाज़ आ रही थी बट वो है नहीं। जल्दी से उस कोड को डालते हैं यहाँ पर 0428 प्लीज। ओ नाइस, तुम्हारे भाई ने एक ही बार में एकदम सही कोड डाल के गेट ओपन कर दिया। मुझे इलेक्ट्रो गन मिल चुकी है और अभी मुझे इस इलेक्ट्रो गन को लेकर यहां से निकलना होगा सीधा बोरिस के पास। फाइनली गाइस, अभी मैं इस गन को लेके बोरिस के पास पहुंचने वाला हूं। मेरे पीछे आइसक्रीम अंकल पड़ गए थे बट मैं उनसे बच गया हूं। मुझे ये गन अब बस इसके मारनी है और अभी उसकी नींद मैंने खोली है, बस उसको इस गन से कुछ भी नहीं हुआ। ओ नहीं वेट, अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ एकदम करेक्ट हुआ, वो नीचे जाके गिर चुका है। मुझे एक बार को लगा था कि सही में ये मेरे को आके मारने वाला है बहुत बुरी तरह, बट हम लोगों ने कर दिखाया। अभी हमें ये जो गेट है ये इसको बंद करो, अगर कल को वो आ गया तो मुझे बहुत बुरा पीटेगा। जल्दी से मुझे भी अंदर चलना होगा और यहाँ पर वो, ओ ये रहा कंप्यूटर। भाई साहब इसने क्या बना रखा है इतना बुरा, और ये जो पिंक वाला रूम है पक्का ये उसी का कुछ ना कुछ। खैर अभी मुझे ये बटन दबा के अपने सभी दोस्तों को यहाँ से बचाना होगा। लेट्स गो, सारे के सारे गेट ओपन हो गए हैं एक ही बटन से और अपने तीनों दोस्त यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ओ भाई, ये दोनों भाई बहन बहुत मस्त खुश हो गए हैं और वो बेचारा परेशान हो रहा है माइक। बट ये यहाँ कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? ओ भाई, ये तीनों जंप मार के नीचे चले गए, ओ बच गए। मुझे लग रहा था मोटा पकड़ा जाएगा बट वो भी बच गया है। एक सेकेंड, भाई साहब हम लोग अभी भी इसकी फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं तभी इतना ज्यादा खुश हो रहा है। भले ही हम लोगों ने यहां से एस्केप कर लिया है बट अभी भी हम लोग प्रॉपरली रॉड से मींस आइसक्रीम अंकल से बच के नहीं भाग पाए हैं। पता नहीं यार ये कब खत्म होने वाला है गेम। आइसक्रीम 4 में भी अभी हम लोग उसके जाल में फंसे हुए हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या आप लोग एक्साइटेड हो आइसक्रीम 5 के लिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.